इस वीडियो के अंदर जो हम बात करने वाले हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग बेसिक टर्म्स के बारे में। तो ज्यादा देरी नहीं करनी है और वीडियो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं क्या क्या करता हूँ वो उनके लिए बाद में कोई वीडियो बना देंगे, लेकिन ये जो वीडियो है वो है डिजिटल मार्केटिंग बेसिक टर्म के, जो आपको डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में अगर आप आओगे या फिर नहीं आओगे बट ये जानना जरूरी है, क्योंकि आप जहाँ कहीं भी जॉब करोगे वहां पर भी ये सब आपको सुनने को मिलने वाला है, तो इनसे अवेयर होना जरूरी है। सबसे पहले तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, दो टाइप की मार्केटिंग होती है, डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग यानी जो भी आप ऑफलाइन अपना ब्रांडिंग अपनी प्रोडक्ट की आपकी सर्विस का करोगे उनको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। और जो आपके पास आपके सामने आपके हाथ में जो मोबाइल है उनके थ्रू वो इंटरनेट के थ्रू जो भी मार्केटिंग होगी उनको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो आई होप डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अभी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काफी सारे टर्म्स है उनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पर मैं काफी बार देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर है मेरी लैपटॉप स्क्रीन, वहां पर मैंने पॉइंट लिख रखे है जो मैं वर्ड पढ़ के आपको समझाने वाला हूँ। तो जो डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक टर्म्स है वो है SMM, SMO, SEM, SEO, ईमेल मार्केटिंग, ईमेल ऑटोमेशन, यूट्यूब मार्केटिंग, FB Ads। FB Ads एंड YouTube मार्केटिंग को मैंने अलग से यहाँ पर लिखा है, वो भी सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर भी हम काउंट कर सकते हैं, बट FB Ads एंड YouTube मार्केटिंग को लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं तो इनके लिए मैंने अलग से इनको लिख दिया है। अभी इनके बाद वन बाय वन हम कवर करते हैं सभी पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट है SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर हम फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पैसे देते हैं अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए, तो इनको बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। सपोज एग्जांपल मेरी कोई प्रोडक्ट है या मेरी कोई सर्विस है, उनको मैं फेसबुक को पैसे देके फेसबुक पे कैंपेन चला के अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, ये है SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग। सेम इसके ओपोनेंट जाएंगे SMO सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जिसके थ्रू ऑर्गेनिकली हमें किसी को कोई पैसे नहीं देने हैं, हमें सिर्फ उनका जो एल्गोरिदम है उनका जो ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम है वहां पर कुछ ना कुछ ट्राई करना है, अलग अलग डिफरेंट हैशटैग है, सपोज इंस्टाग्राम को ले लेते हैं तो हैशटैग है, लोकेशन है, किसी ना किसी कॉल टू एक्शन के थ्रू हमें अपना पेज ग्रो करना है, तो इनको बोलते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन SMO। इसके बाद आता है SEO, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन मोस्टली गूगल के लिए लोग यूज करते हैं, लेकिन यूट्यूब का भी SEO होता है। गूगल SEO पहले तो क्या है, SEO मतलब आपको आपका पोस्ट आपकी वेबसाइट या कुछ भी है उनको रैंकिंग करवाना है सर्च इंजिन में। SEO को बेसिक टर्म्स के अंदर समझते हैं कि आपने कोई भी कीवर्ड गूगल के सर्च बार में सर्च किया, सपोज बाय मोबाइल ऑनलाइन ऐसा कुछ भी आपने लिख दिया तो वहां पर करोड़ों वेबसाइट गूगल के पास है ऑनलाइन शॉपिंग के रिगार्डिंग, तो वहां पर काफी सारी वेबसाइट है बट आपको फर्स्ट पेज पे 10 से 12 ही वेबसाइट दिखेगी। तो अब ये 10 से 12 जो वेबसाइट दिखेगी उसका सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन यानी SEO स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से वो वहां पर शो होगी, वो कीवर्ड पे वो वेबसाइट रैंक करेगी, तो इसको बोलते हैं SEO। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट टॉप पे रैंकिंग करवानी है तो आपको बैकहेंड में ऑफ पेज SEO एंड ऑन पेज SEO करवाना होगा। इसके बाद है SEM, ठीक है SEO समझ में आ गया, उनके बाद है SEM। तो अभी SEM क्या है, सर्च इंजिन मार्केटिंग। तो आपने मान लो कि आपका वेबसाइट अभी नया है, उनका SEO इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बट आपको इंस्टेंटली रिजल्ट चाहिए, तो उनके लिए आप SEM कर सकते हैं, यानी कि आप गूगल को पैसे देके आपकी वेबसाइट किसी कीवर्ड पे टॉप रैंकिंग करवाने के लिए। अभी गूगल क्या करेगा, आपसे कुछ पैसे लेगा और आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंकिंग करेगा और वहां पर कोई क्लिक करेगा तो आपके वॉलेट में से पैसे कट हो जाएगी, तो ये है SEM, जिसको हम PPC भी बोलते हैं, पे पर क्लिक। इनके बाद आता है FB Ads, जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर ही हो गया। आप आपके इंस्टाग्राम या फेसबुक पे स्क्रॉल करते हैं तो काफी एड्स आपको दिखने को मिल जाएगी, स्पॉन्सर्ड एड, स्पॉन्सर्ड लिखा होता है उनके नीचे। उनके बाद है YouTube मार्केटिंग। YouTube मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, YouTube मार्केटिंग के अंदर आप कोई भी वीडियो ओपन करोगे ऑन करोगे तो सबसे पहले 3 सेकंड का स्किपेबल एड आता है, या फिर कोई कीवर्ड सर्च करोगे तो वहां पर भी येलो कलर के अंदर AD लिखेला होता है, वो भी एक YouTube एड से, तो उनके थ्रू भी आपका प्रोडक्ट प्रमोट
हो सकता है वो है YouTube मार्केटिंग। इनके अलावा ईमेल मार्केटिंग, ईमेल ऑटोमेशन, अफिलिएट मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, काफ़ी लोग इनको भी डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। बट मेरा आंसर मैं नहीं देना चाहता हूँ कि वो क्या है नहीं है, बट वो आप डिसाइड करो है कि नहीं कमेंट में बता देना। तो ये सारी डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक जो थे वो मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। आई होप SMM, SMO, SEO, SEM के बारे में बेसिक आइडिया आ चुका होगा। बट ये सारी चीज़ें जितनी देखने में इजी लग रही है नहीं, आपको उस पर काम करना होगा, सीखना होगा, उनके बाद आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आपकी कोई सर्विस है तो, और अगर आपको नहीं मालूम है इनके बारे में, तो आपको खुद से करने से अच्छा है कि कोई डिजिटल मार्केटिंग को, डिजिटल मार्केटर को हायर करना चाहिए या फिर उनको अपना काम देना चाहिए। क्योंकि कोई प्रोफेशनल पर्सन या कोई एक्सपर्ट इस पे काम करेगा तो आपको कम पैसे में ज़्यादा रिजल्ट मिल सकता है। या फिर हमारी कंपनी के पास करवाना है तो यहाँ पर ईमेल आईडी मैंने दिया है अपना, वहाँ पर मेल करो, आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स मैं दूंगा। या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी इंस्टाग्राम लिंक है, जाकर DM करो, वहाँ से भी आपका कॉन्टेक्ट हो जाएगा। और इंस्टाग्राम पे मैं डेली बेसिस पे मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड मोटिवेशनल कॉन्टेंट डालता रहता हूँ। तो यस, वो भी आपके लिए एक अच्छा खासा कॉन्टेंट क्रिएटर पेज होगा, तो फॉलो कर लो उनको। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्या करता हूँ उनके बारे में वीडियो डालूंगा। बट इस वीडियो में 50 लाइक कर दो तो ही फ्यूचर में मतलब कंटिन्यूसली, अब तो कुछ टाइम पे बेसिक से एडवांस वीडियो आना स्टार्ट होगी इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।